मूवी के स्टार्टिंग में हम ब्रिक को देखते हैं। वो फ्रांस नाम के एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था, उसके मुंह में जलते हुए सिगरेट को डाल देता है, उसके हाथ पैर बांध कर उसे केरोसिन के टब में डाल देता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ब्रिक ने फ्रांस के ग्रुप के सारे लोगों को मार डाला था। जैसे ही ब्रिक बिल्डिंग से बाहर निकलता है, पीछे से फ्रांस के रूम में बड़ा सा ब्लास्ट होता है। मूवी में बहुत सारे सीन्स आगे पीछे दिखाए जाएंगे, पर मैं आपको एक लीनियर फैशन में स्टोरी बताऊंगा। हमें पता चलता है कि अमेरिका में क्राइम बहुत बढ़ गया था। इस क्राइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू वे निकाला। सब लोगों के ब्रेन में गवर्नमेंट ने एक चिप को प्लांट कर दिया। इस चिप का फायदा यह था कि जब भी कोई क्राइम करने के लिए जा रहा है तो हेडक्वार्टर से उस आदमी को रोका जा सकता है। क्रिमिनल उसी स्पॉट पे फ्रीज हो जाता है। इस सिस्टम का नाम API सिस्टम है। बहुत सारे बैंक्स में रॉबरी हो रही थी, तो वहां पर ये सिस्टम इंस्टॉल किए गए थे। बैंक के पास अगर कोई भी रॉबरी करने के लिए आता है तो इस सिस्टम से वेव्स छोड़कर उस आदमी को फ्रीज कर सकते थे। और इसके बाद हम ब्रिक को कुछ लोगों को मारते हुए देखते हैं। इसमें मैक्स और उसके गैंग के मेंबर्स भी थे। ब्रिक उन लोगों को क्यों मार रहा था, इसके पीछे का रीजन हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि ब्रिक अपने ब्रदर रॉय के साथ एक गैंग चलाता है जो मिलकर रॉबरी करते हैं। अब ये API सिस्टम आ गया था तो उनके रॉबरी का बिजनेस सही से चल नहीं रहा था। वो लोग एक रॉबरी करने का प्लान बनाते हैं, जिसमें गैंगस्टर फैमिली का सपोर्ट भी लेते हैं। उसका नाम डोमिनोज फैमिली था। डोमिनोज फैमिली के पैसों के सपोर्ट से ब्रिक रॉय और उनके मेंबर्स ने बैंक रॉबरी की थी, पर API सिस्टम की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई थी। उनका एक मेंबर उसी रॉबरी में मारा गया था, पर कैसे वैसे कर वहां से भाग कर आए थे। ब्रिक ने गैंगस्टर फैमिली को ये बताया कि रॉबरी में जो भी पैसे मिले थे वो सब पैसे बैंक में ही रह गए। वो झूठ बोल रहा था क्योंकि उसी के पास सारे रॉबरी के पैसे थे। ये बात ब्रिक के ग्रुप के दो मेंबर्स फ्रांस और मैक्स ये गैंगस्टर फैमिली को बता देते हैं। इन्हें मूवी के स्टार्टिंग में ब्रिक्स ने मार दिया था। गैंगस्टर फैमिली को ये बात पता चलने के बाद ब्रिक को अंडरग्राउंड होना पड़ता है। इसी दौरान रॉबरी की वजह से रॉय को पुलिस पकड़ लेते हैं। जेल में रॉय को पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया और इसी वजह से रॉय की डेथ हो गई। ये जब बात ब्रिक को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। अब गुस्से में रॉय फ्रांस और मैक्स को मार डालता है। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो खुद को भी जान ले लेगा। एक रैंडम ड्रग डीलर से एक न्यूरोटॉक्सिन ड्रग बाय करता है। ड्रग खरीदने के बाद इसे वो लेने वाला था, पर तभी वहां पर शेल्बी नाम की लड़की आती है। उसके करीब आने की कोशिश करती है। ब्रिक भी शेल्बी से अट्रैक्टेड था तो दोनों बाथरूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद ब्रिक से केविन नाम का एक आदमी मिलने के लिए आता है। वो ब्रिक को बताता है कि मैं जेल में रॉय के साथ ही था। जेल में रॉय और मुझे दोनों को टॉर्चर किया गया था। उन पर एक बार API सिस्टम की टेस्ट की गई और इसी टेस्ट के दौरान रॉय की डेथ हो गई थी। ये बात ब्रिक के लिए शॉकिंग थी, पर उसे और भी ज्यादा शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि शेल्बी केविन की फियांसे थी। वो दोनों जल्दी शादी करने वाले थे। ब्रिक को अब कोई आइडिया नहीं था कि शेल्बी फिर उसके साथ क्यों थी। API सिस्टम आने के बाद अमेरिका के सारे गैंगस्टर ये कनाडा भागना चाहते थे, क्योंकि वहां पर API सिस्टम नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि कनाडा के बॉर्डर पर बहुत ही हाई सिक्योरिटी थी, इसी वजह से मोस्टली गैंगस्टर जब वहां पर जाते हैं तो सिक्योरिटी की वजह से मारे जाते हैं। अब केविन ब्रिक से बात करता है और उसे अपना प्लान बनाता है। वो लोग अमेरिका की सबसे बड़ी रॉबरी करेंगे, वो लगभग $1 बिलियन की होगी, और इसके बाद वो कनाडा निकल जाएंगे। वहां पर वो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसी चीज में केविन को ब्रिक की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि रॉबरी में उसे हेल्प कर सकता था। पहले तो ब्रिक इसके लिए मना करता है, पर बाद में वो मान जाता है। ब्रिक रॉबरी का पूरा प्लान बनाता है। उन्हें API सिग्नल को 30 मिनट्स के लिए जाम करना था। इसमें वो रॉबरी अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इस सिग्नल जाम करने के लिए उन्हें एक अच्छे हैकर की जरूरत थी। उसके बाद वो रॉबरी सक्सेसफुल कर हमेशा के लिए कनाडा चले जाएंगे। ब्रिक जब ये प्लान बना रहा था तभी उसे पता चलता है कि केविन एक्चुअली में कोई रैंडम आदमी नहीं है। वो एक्चुअल में डोमिनो गैंगस्टर फैमिली, जिसके लिए ब्रिक पहले काम करता था, उसी के लीडर का बेटा है। ब्रिक को लगता है कि केविन उससे पैसे वापस लेने के लिए आया है। वो फिर जाकर उससे इस बारे में बात करता है। केविन उसे बताता है कि मैं अपने फादर और गैंगस्टर फैमिली को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं भी उनकी तरह काबिल हूँ। इसी वजह से वो इतनी बड़ी रॉबरी करना चाहता था। ब्रिक केविन से पूछता है कि जब तुम्हें API सिग्नल का झटका लग रहा था तो क्या तुम उसे रोक पा रहे थे, क्या तुम मूव कर पा रहे थे। केविन कहता है कि उस सिग्नल को रोका नहीं जा सकता, अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अचानक से झटका लगता है और हाथ पैर रुक जाते हैं। ब्रिक ने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया था, पर उस वक्त API इनिशियल फेज में था और इसी वजह से वो भाग गया था। न्यू API सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के लिए कुछ समय था। वो इम्प्लीमेंट होने से पहले उन्हें रॉबरी करनी पड़ेगी, वरना एक काम इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि शेल्बी एक बहुत ही स्किल्ड हैकर थे। वो FBI, रॉ इस टाइप की एजेंसी के लिए हैक कर चुकी थी। उन्हें अब किसी हैकर को ढूंढने की जरूरत नहीं थी, शेल्बी ये काम कर सकती थी।
नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि ब्रिक और शेल भी अपना अफेयर कंटिन्यू करते हैं, एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे थे। ब्रिक अपने फ्रेंड रॉस को भी इस रॉबरी में ज्वाइन करवा लेता है क्योंकि वो पहले भी उसके साथ काम कर चुका था। इसके बाद वो एक बैंक के मैनेजर के पास जाते हैं जिससे वो कॉन्टैक्ट में थे। उसे वो कहते हैं कि हम $35 मिलियन डिपॉजिट करना चाहते हैं। जिस दिन वो डिपॉजिट करेंगे उसकी वो डेट कन्फर्म करते हैं। अब शेल भी ब्रिक को फेक नोट प्रिंट करने के लिए मदद करती है। वो दोनों मिलकर $35 मिलियन के फेक नोट्स बनाते हैं। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि शेल भी एक एजेंट है जो उसी सिटी के FBI की एजेंसी के लिए काम करती है। वो ब्रिक के पास इस रॉबरी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आई हुई थी। ब्रिक ने ऑलरेडी बहुत बड़ी रॉबरीज की थी और ऑफिसर्स को शक था कि शायद वो फिर से करेगा। शेल्बी को यह सब करना पड़ रहा था क्योंकि ऑफिसर्स ने उसकी सिस्टर को किडनैप करके रखा था। अगर शेल्बी उनकी बात नहीं मानती तो उसकी सिस्टर को टॉर्चर करते थे। शेल्बी को उनकी बात माननी पड़ रही थी, पर यह सब बात ब्रिक को पता चल जाती है। शेल्बी का सच उसे पता चल गया। नेक्स्ट सीन में ब्रिक केविन के साथ उसके फादर से मिलने के लिए जाता है। हमें पता चलता है कि केविन को कुछ समय पहले एक ग्रुप ने मारने की कोशिश की थी जिसे उसके फादर ने भेजा था। उनकी फैमिली हर कोई इंटरनली एक दूसरे को हिट करता था। इस बात को जानने के बाद केविन बच गया है। उसके फादर उसे शूट करने की कोशिश करते हैं। शूट करने के बाद केविन सिर्फ इंजर्ड होता है पर अपने फादर को एक्स से मार डालता है। और इसके बाद फादर की सारी सिक्योरिटी ब्रिक और केविन पर अटैक करने के लिए मेन रूम में आ जाते हैं, पर तभी वहाँ पर केविन और ब्रिक एक सीक्रेट डोर से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। निकलते वक्त सेल्फ डिफेंस में केविन अपनी सिस्टर को भी शूट कर देता है। यहाँ से बचने के बाद ब्रिक सीधा शेल्बी के पास आता है। उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। शेल्बी कहती थी कि मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है, इसी वजह से मुझे उनकी बात माननी पड़ रही है। तभी वहाँ पर ब्रिक के ऊपर गैंगस्टर फैमिली के कुछ मेंबर्स अटैक कर देते हैं। उनका पीछा करते हुए वहाँ तक वो पहुँच गए थे। वो ब्रिक से केविन का लोकेशन पूछने के लिए उसे टॉर्चर करने लगते हैं। शेल्बी उनसे कहती थी कि मैं केविन की फियांसी हूँ, तो लोग ये जानने के बाद शेल्बी को ही अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि केविन उनके पास वापस आ जाए। यहाँ हम देख सकते हैं कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने ब्रिक को फ्रांस को मारते हुए देखा था। उस ब्लास्ट में फ्रांस बच गया था, उसकी पूरी बॉडी जल गई थी। वो अब जिंदा है और गैंगस्टर फैमिली के साथ काम कर रहा था। वो ब्रिक को टॉर्चर करने के लिए वैन में आग लगा देता है और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। तभी वहां पर रॉस आ जाता है और सबसे पहले फ्रांस को मार डालता है। उसने ब्रिक को वैन से निकालकर उसकी जान बचा ली। अब यहाँ से सीधा ब्रिक शेल्बी को बचाने के लिए जाता है। गैंगस्टर फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स ने उस पर अटैक किया, पर ब्रिक सबको मार डालता है। ये जब फाइट चल रही थी तो शेल्बी को वहां से वो लोग लेकर जाते हैं। हम शेल्बी को देखते हैं जिसके शरीर में फोर्सफुली उन लोगों ने ड्रग इंजेक्ट किया था, उसे असॉल्ट करने की कोशिश करने वाले थे। वहां पर ब्रिक आ जाता है और उस गैंगस्टर मेंबर को मार डालता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रिक और शेल्बी एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। अब सब फाइनली अपने रॉबरी के प्लान को एग्जीक्यूट करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ 24 आवर्स ही थे। 24 आवर्स के बाद API सिस्टम इम्प्लीमेंट होने वाला था, इसके बाद रॉबरी करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो प्लान बनाते कि शेल्बी अपने FBI एजेंट की आइडेंटिटी से ऑफिसर को संभाल लेगी। वह सबसे पहले API टावर में जाएगी, API सिस्टम को 30 मिनट्स के लिए हैक करके रोक देगी। वो फिर सक्सेसफुली रॉबरी कर लेंगे। दूसरी तरफ ब्रिक और केविन का प्लान था कि वो दोनों बैंक को लूटने का काम करेंगे। सबसे पहले वो फेक नोट्स डिपॉजिट करने के बहाने से बैंक में जाएंगे। एक बार वो अंदर आके तो अपनी टीम की मदद से वो पूरा बैंक लूट पाएंगे। अब रॉबरी का फाइनल डे आता है। शेल्बी सबसे पहले खुद को FBI एजेंट बताकर API सिस्टम में चली जाती है। वहां पर वो टॉवर के मॉडरेटर को सड्यूस करती है। नेक्स्ट मोमेंट पर उसी पर गन पॉइंट कर चेयर से उसे बांध देती है। दूसरी तरफ ब्रिक अपने कार से फेक नोट्स निकालकर बैंक में डिपॉजिट करने के लिए जाता है। सभी नोटों को बैंक मैनेजर को दे देता है। बैंक मैनेजर को चेक करना था कि नोट असली है या नकली, तो उसे वो जला कर देखता है। उसे पता चल जाता है कि सभी नोट फेक है। ब्रिक के ऊपर वहां के सिक्योरिटी गार्ड शूट करने लगते हैं। ब्रिक खुद को बचाकर वहां से निकल जाता है। ब्रिक डायरेक्टली बैंक के लॉकर में आ गया था। अब इसके बाद यहाँ से आगे का रॉबरी का काम केविन संभालता है। सबसे पहले केविन अपने साथ लाया हुआ डायनामाइट को लॉकर पर प्लांट करता है। अगले ही सेकंड में वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। सारी सिक्योरिटी उन्हें ढूंढते हुए लॉकर के पास आ जाती है। ब्रिक, केविन और रॉस तीनों मिलकर रॉकर के पैसों को सेफली अपने ट्रक में रखते हैं। ट्रक में पैसे रखते हुए रॉस ब्रिक को कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 6 मिनट्स है। 30 मिनट्स के लिए API सिस्टम हैक हुआ था, उसमें से अब सिर्फ 6 मिनट्स बाकी थे। ब्रिक को अब जल्दी काम फिनिश करना पड़ेगा। ये जब सब काम चल रहा था तो API सिस्टम के ऑफिसर्स सिस्टम को वापस से रिस्टार्ट कर देते हैं। सिग्नल स्टेबल होने की वजह से सिग्नल पूरे टावर में फैल जाता है। इसके बाद ब्रिक और रॉस अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। यह हैरानी की बात ये थी कि केविन इस API सिस्टम में भी बड़े आराम से मूव कर पा रहा था।
ऐसा लग रहा था कि इसका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। केविन फिर रॉस को शूट कर देता है। ब्रिक ने उसे पूछा कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। केविन तभी रॉस को शूट कर मार डालता है। ब्रिक बहुत ही कंफ्यूज हो गया था कि केविन उन्हें धोखा क्यों दे रहा है। केविन ब्रिक को बताता है कि रॉय की जान पुलिस ऑफिसर्स ने नहीं तो मैंने ली थी। एक्चुअल में जेल में रॉय और केविन के बीच में फाइट करवाई गई थी। एपीआई सिस्टम के अंदर दो ह्यूमंस कैसे परफॉर्म करते हैं ये ऑफिसर्स को देखना था, उसी वजह से उनकी फाइट हुई थी। इस फाइट में रॉय केविन पर भारी पड़ रहा था। वो केविन को मारने वाला था तभी एपीआई की इंटेंसिटी रॉय पर बढ़ा दी जाती है। केविन फिर रॉय को मारने लग गया। रॉय पर बहुत ही ज्यादा असर हो रहा था, इसी वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। केविन ने फिर रॉय को मार डाला था। केविन को पता था कि ब्रिक ही रॉय का ब्रदर है। अगर ये सब बात उसे पता होती तो ब्रिक उसका कभी भी साथ नहीं देता। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया कि पुलिस ने ये सब किया था ताकि तुम उनके खिलाफ रिवेंज ले सको, इस रॉबरी को तुम अच्छे से कर सको। वो बातों बातों में उसे ये भी बताता है कि एपीआई सिस्टम से कैसे बचा जा सकता है। ये सब सुनते हुए ब्रिक केविन को मारने के लिए गन उठाता है। केविन ही ब्रिक को शूट करता है। ब्रिक की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। केविन ब्रिक को मारने वाला था तभी ब्रिक हंसने लग गया। केविन इस बात से कंफ्यूज हो जाता है तभी पीछे से एपीआई एजेंट आ गए थे और वो केविन को मार डालते हैं। वो ब्रिक के पास आए और कहते कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें दो गोलियां लग चुकी है। वो ब्रिक को वैसे ही तड़पता छोड़कर वहां से जाने वाले थे। जाते जाते एक एजेंट ब्रिक से कहता है कि मैं शेल्बी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ब्रिक इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने पॉकेट में रखा हुआ पॉइजनस ड्रग की टैबलेट्स वो ले लेता है। ये टैबलेट्स लेने की वजह से अब वो मूव कर पा रहा था। उन दोनों एजेंट्स को वहीं पर वो शूट कर देता है। दूसरी तरफ हम शेल्बी को देखते हैं जिसे एक पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया था। उसे पूछ रहा था कि इस रॉबरी में तुम्हारा रोल क्या है। वो पुलिस ऑफिसर उसकी हेल्प करना चाहता था पर शेल्बी उसकी बात नहीं मानती। वो ऑफिसर को ट्रिक कर उस पर ही अटैक कर देती है। उस ऑफिसर और शेल्बी में दोनों में झगड़ा होने लग गया। वो टेबल पर गिर जाता है और वहां पर एक पॉइंटिंग ग्लास था, उसी से टकरा कर उसकी डेथ हो जाती है। वो फिर इस टॉवर से निकलने लग गए। सारे ऑफिसर उस पर गन लगाते हैं। दूसरी तरफ हम ब्रिक को देखते हैं जो पैसों से भरा हुआ ट्रक को लेकर बैंक के पास आ रहा था। वो डायरेक्टली ट्रक सारे ऑफिसर्स पर चढ़ा देता है। वो शेल्बी को बचाकर वहां से लेकर जाता है। उन दोनों ने रॉबरी कंप्लीट कर ली थी। उन्होंने एक दूसरे को किस किया। वो एक दूसरे को अपना प्यार कन्फेस करते हैं। अब ब्रिक कनाडा जाने का डिसाइड करता है। सीधे कनाडा के बॉर्डर के पास वो ट्रक लेकर जाकर उसे रोकता ही नहीं। चेक पोस्ट पर बहुत सारे ऑफिसर्स थे पर उन सब से वो बच जाता है। उनके ट्रक पर बहुत सारी फायरिंग हुई थी, हालत बहुत खराब थी पर फिर भी वो नहीं रुकता। कनाडा पहुंचकर शेल्बी बहुत खुश थी। वो ब्रिक को आई लव यू कहती है। उसने रियलाइज किया कि ब्रिक को गोली लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। उसने थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहने के लिए टॉक्सिक ड्रग भी लिया था, वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। शेल्बी बहुत रोती है और उसे आई लव यू कहती है। इसके बाद वो पैसे लेकर वहां से चली गई। नेक्स्ट सीन में शेल्बी अपनी सिस्टर के साथ थी। उसने अपनी सिस्टर को भी बचा लिया था। वो ब्रिक की अस्थियां पानी में बहा देती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।